हसनैन मसूदी जी यूनिवर्सिटीज के बात कर रहे थे, मैं उनके साथ कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं। मैं कांग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूं, आपने 2011 में कश्मीर में आपने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, जम्मू वालों ने लाठ झगड़ के दिया, लाया दिया नहीं, लाठ झगड़ के लिया। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, हमने जम्मू में जितने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को रोड पे लाके इनके खिलाफ काले पट्टी बांध के हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग किया। लद्दाख में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया, क्या ये है आपका इक्वालिटी? ये है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मोदी है तो मुमकिन है सही में। कल राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूं, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला 4 आपने कश्मीर को दिया, तो जम्मू वालों ने लड़ाई की तो 4 देना पड़ा, लद्दाख को आपने एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? ये आपका इक्वालिटी है? आज आप कहते हैं इक्वालिटी, हमारे भाषा लद्दाखी बोटी भाषा कहते हैं, कश्मीरी आपने लिपि ना होने से भी आपने रिकॉग्नाइज किया, एड शेड्यूल में डाल दिया, जम्मू के डोगरी उन्होंने आंदोलन किया तो उनको भी दे दिया, लद्दाख के भाषा को आज तक आपने रिकॉग्नाइज किया, क्या यह है आपका इक्वालिटी? अध्यक्ष जी, सेक्युलरिज्म और डेमोग्राफी की बात किया जा रहा है यहां पे, मैं जानना चाहता हूं जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिस यूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? यह है आपका सेक्युलरिज्म? इसी धारा 370 को आपने मिस यूज करते हुए काल वक्तव्य दे रहा है गर्व से, लद्दाख में पहले बौद्ध संख्या ज्यादा था, आज मुस्लिम संख्या ज्यादा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, ये आपने धारा 370 को मिस यूज करके जम्मू कश्मीर में आपने बुद्धिस्ट को खत्म करने की कोशिश किया, ये है आपका डेमोग्राफिक मेंटेन, ये है आपके सेक्युलरिज्म? अध्यक्ष महोदय, यही जिन परिवारों ने, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पे शासन किया, मैं कहता हूं राज किया, यही परिवारों ने 1979 में लद्दाख को बंटवारा किया, बुद्धिस्ट मेजोरिटी के साथ ले डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी के साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट, और हम दोनों भाइयों को लड़वाया आज तक, यह है आपका सेक्युलरिज्म? फूट डालो राज करो, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? आज करगिल की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे करगिल बंद है, किसने कहा आपको करगिल बंद है? जानने की कोशिश कीजिए, मैं हूं लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूं, आप नहीं आ रहे लद्दाख से, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बैठिए भाई साहब, आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है, बैठिए बैठिए, आप मोदी चाचा ने बैठिए, ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे हैं। भाई साहब, अगर आपको कारगिल देखना है तो जांस्कार जाइए, वाखा मूलबेग शारगोल जाइए, आर्यन बेली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए, 70% कारगिल के एरियाज जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, इस बिल के समर्थन करते हैं। अध्यक्ष जी, आज ये वही वक्तव्य दे रहा है, अध्यक्ष जी सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए, मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। अध्यक्ष जी, करगिल में जो अभी कह रहा है ये इन्होंने फोन करके करवा रहा है, उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे हैं।
उनको अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, इनके जबान पे नहीं जाना चाहिए। ये अपने मुफ्त के लिए, अपने हित के लिए किसी को भी न चाहेंगे। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, आज से 66 वर्ष पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में जो उन्होंने संघर्ष लिया, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी के संकल्प में मैं गर्व के साथ कहता हूं, इनको नहीं पता लद्दाख वालों ने अभी क्या किया आज तक। 2011 में आज ये कह रहे कि हमारा झंडा जा रहा है, झंडा जा रहा है। भाई साहब, आपका झंडा तो लद्दाख वालों ने 2011 में नकारा है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले ने रेजोल्यूशन पास किया 2011 में। जम्मू कश्मीर के जो झंडा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर के रैंक के होते हैं, उनको उनके घड़ी को लगता था, हमने उस झंडा को नकारा, हमने नेशनल एम्ब्लेम वाला वहां पे लगाया, क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते हैं। ये है लद्दाख, क्योंकि हम मानते हैं आन देश की, शान देश की, देश की है हम संतान है। तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। अध्यक्ष जी, बड़े आयरोनिकल बात है, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब अपने कुर्सी के बारे आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे, लेकिन अपने घर का रोटी चलना चाहिए, ऐसा विचारधारा हम एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, जो कुछ लोग, जो मैं बार बार दो परिवार की जिक्र कर रहा हूं, ये परिवार जो है कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है, वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं, नशे में है वो आज भी समझते कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा। अध्यक्ष जी, मैं अंत में इसको कंक्लूड करने से पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को और पूरे सहयोगी दल को, और जिनका दल नहीं है लेकिन इस बिल के फेवर में आने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लद्दाखियों के सेंटिमेंट को, एस्पिरेशन को सुना जा रहा है। उस लद्दाख के जो चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमाएं लगते हैं, उस लद्दाख के महत्वपूर्ण को समझ रहे हैं। इस सरकार में इस बिल को हम वेलकम करते हैं और हम एक अंत में, जो लोग अभी तक कंफ्यूज में, उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करता है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।